A young female journalist beaten by several policemen simply because she tried to join a queue that was meant for VIPs. And trying to join the celebrations of the Ganesh festival, the disturbing visuals have gone viral since. Saurabh Gupta spoke to the girl Nandini Goswami. The police in Mumbai facing severe criticism for raining blows on a young woman. Joining me now is the woman. You know, the entire incident was caught on CCTV camera. What exactly happened? Could you tell us? Basically, मैं वहाँ गई थी दर्शन के लिए. वहाँ पे मच हो गया हमारा उनसे उनका हमसे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया मेरी फैमिली के साथ, तो किसी को भी प्रॉब्लम होता, वो मैं कल उठ के कोई भी होती उन्हें भी प्रॉब्लम होता. तो ये होने के बाद हम उन पर चिल्लाना शुरू किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट एनी वन. तो उन्हें ये बात का बुरा लगा होगा, तो उन्होंने हमें मारना शुरू किया. तो वो उन्होंने हमें मारना शुरू किया, हम कुछ नहीं कर पाए बिकॉज़ वो इतनी तेज़ी से मार रहे थे कि मेरा माइंड ब्लैंक हो चुका था. हम आगे गए, फिर मेरे दादा आके मुझे प्रोटेक्ट कर रहे, फिर भी उन्होंने कंटिन्यूसली मारना शुरू किया, एज वेल एज उन्होंने मेरे पेरेंट्स पे भी हाथ उठाया. इसके बाद साइड में ले गए वो हमें. व्हाई डिड द आर्ग्यूमेंट स्टार्ट? आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ कि हम दर्शन करने के लिए गए थे, वीआईपी लाइन में बहुत सारे लोग बिना पासेस के एंटर कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब जा रहे हैं तो हमें भी जाने का मौका मिल जाएगा. तो एक टाइम ऐसा आया कि पूरा रश, क्राउड का जितना रश था, सब अंदर जा रहा था वीआईपी लाइन से. उन्होंने गेट खोला और सारा रश अंदर जा रहा था, तो हम भी उनके साथ चले गए. और उतने में जो मेन इंस्पेक्टर्स थे, उन्होंने हमें और बहुत दो तीन लोगों और आके पकड़ लिया कि आप नहीं जा सकते, किसने कहा आपसे जाने के लिए. एना तो उन्होंने हमें धक्का मारना शुरू किया, आप पीछे जाइए पीछे जाइए. तो मेरी मॉम का ड्रेस फट गया, मुझे आ गया गुस्सा. सो आई स्टार्टेड शाउटिंग ऑन देम दैट दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव. तो उनकी जो लेडी कांस्टेबल थी, उन्होंने आके मारना शुरू किया. उसके बाद मैं मेरे डैड के साथ, मुझे डैड मेरे आगे निकल गए. कितने देर तक, मतलब हाउ लॉन्ग डिड दे हिट यू फॉर? Over there, if you ask about the Mandal area, over there it was continuously going on half an hour, and after going to police station, continuously for 1 hour, they have hit me badly. Also, the police made allegations saying that perhaps you were not, sane at that time and all of that. So, all kinds of excuses were made. Anything to say on that? The police ने ये कहा कि आपका मतलब you mentally unstable, ये सब allegations भी लगा explanation में. जो पुलिस कह रही है कि मैं depression वगैरह के शिकार हूँ, नहीं, I am just a normal girl, I have a normal life, मुझे कोई ऐसी problem नहीं है, neither मुझे कोई बीमारी है, I am like quite clean with all that.